नमस्कार, आदाब। आप तमाम बंधुओं को भारद्वाज कैंपस में स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज आज आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर आया हूँ। अक्सर छात्र छात्राओं के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। एसएससी जनरल कंपटीशन, एसएससी बैंकिंग, रेलवे, इन सभी विषयों को लेकर। तो मैं आज कुछ मुद्दे को लेकर आपके बीच आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जनरल कंपटीशन की तैयारी 12th के छात्रों के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। 12th जो ही बच्चे पास करते हैं, पास करने के उपरांत वो रिजल्ट के वेट में रहते हैं, लेकिन रिजल्ट के वेट में वो 2-3 महीने अपना गवा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट अब जनरल कंपटीशन की तैयारी की तरफ जुट रहे हैं। तो मैं छात्रों से कहता हूं कि आप 12th जो ही पास करें, जनरल कंपटीशन की तैयारी के बीच जुड़ें, और यह आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर यह है कि आप जो ही 12th पास करते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबसे मेन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर आप बेहतर पहल कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग सही होती है वो 12th+, मतलब 12th के बाद यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी में जुट जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ को बेहतर रिजल्ट और बेहतर समय में आप प्राप्त कर लेते हैं। तो छात्रों, मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूँगा कि कोचिंग बहुत सारे दुनिया में खुले हुए हैं, पूरे भारत में कोचिंग। आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहाँ प्रसिद्ध है कि IAS, वहाँ सिर्फ कोचिंग ही कोचिंग दिखाई देंगे। लेकिन दिल्ली के मुखर्जी नगर में वैसे स्टूडेंट जाएंगे जिनकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, GK GS पहले से थोड़ा बहुत जानकारी हो, बशर्ते आप उस भीड़ में अपने आप को ठीक ढंग से ढाल नहीं पाएंगे। तो मैं छात्रों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप यदि आपके बेसिक ठीक नहीं है तो सबसे पहले आप बेसिक ठीक कर लें, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए दिल्ली जाएंगे तो बेसिक यदि आपका ठीक नहीं है तो वहाँ जाकर भी आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। मैं आपके कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके कॉन्फिडेंस को बहुत आगे की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप बेहतर प्रयास करें, इसके लिए मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता दूँ कि आप अक्सर जिलेवार या जिले में कुछ बुक को लेकर पूरी तहलका मची हुई, आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, इसमें कहीं कोई थोड़ी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों, आप RS अग्रवाल की बुक को सिर्फ पढ़ के चाहेंगे कि कोई अच्छे जॉब की तलाश कर लें तो ये भी इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि RS अग्रवाल का वो लेवल नहीं है जिस लेवल को आप प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते हैं। इसके लिए आपको एक से एक बुक है, मैं एक बुक बताता हूँ जो बुक बहुत ही बेहतर है, राकेश यादव सर के द्वारा जो लिखा हुआ बुक है, SSC मैथमेटिक्स, जिसमें प्रत्येक साल का अलग अलग SSC ने जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन अलग अलग, प्रत्येक साल का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और RS अग्रवाल के क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी चीज़ों को छोड़ें, धीरे धीरे मेहनत करें, मेहनत करके आप आगे जा सकते हैं। धन्यवाद।